नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही, आई एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया टाटा कांड्रा मार्ग का उद्घाटन, कहा 12वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड में बिछेगी सड़कों की जाल। विजेताओं को सम्मानित करने के साथ ही 24वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी सम्पन्न। और सीताराम डेरा में छिड़खाने का विरोध करने पर युवक की पिटाई, बस्ती वासियों ने घेरा थाना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने नए ढंग से तैयार किए गए टाटा कांड्रा मार्ग का आज उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड के गांव में सड़कों की जाल बिछेगी। टाटा नगर स्टेशन से NH तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, पथ निर्माण विभाग की सचिव राजवाला वर्मा, विधायक बड़ कुंवर गागराई और कोल्हान प्रमंडल के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनकी सरकार ने देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर टाटा कांड्रा मार्ग को गुणवत्तापूर्ण तैयार करने का प्रयास किया है। जमशेदपुर रांची और बारागोड़ा मार्ग के निर्माण की तैयारी चल रही है। इसमें आने वाली सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी देश व राज्य के बेहतर आधारभूत संरचना का पैमाना वहां की सड़कें होती हैं। अच्छी सड़कों से जहां लोगों के आवागमन में सुविधा होती है, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर रांची और बारागोड़ा मार्ग को इस ढंग से तैयार किया जाएगा ताकि लोग 1.5 से 2.5 घंटे में दोनों शहरों का सफर तय कर सकें। असम के रास्ते इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाने की उनकी योजना है। गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का काम शुरू हो चुका है। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीणों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुणवत्ता के साथ करेंगे और ऐसे सड़क, ऐसे आधारभूत संरचना बने जिसका लाभ सही में आधारभूत संरचना के रूप में लोगों को मिले। ये सड़क सारे बाकी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये अगले 17 वर्षों तक उसी को मेंटेन करना है जो इस सड़क को बनाया है। और ये चिपिंग वाला सड़क नहीं होगा कि कोई मेंटेन के नाम से चिपिंग होगा, बल्कि जिस तरीके से ये सड़क आज देख रहे हैं, 17वां साल में भी ये सड़क वैसा ही दिखना है। इस योजना की ये सबसे बड़ी खूबी, और इसमें हम सभी ने ये आकलन किया है कि ऐसे सड़क बनाने से जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा, उससे इस सड़क के लागत से अधिक लोगों को लाभ होगा, राज्य सरकार को लाभ होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। और यही सोच के साथ अब हम सभी सड़क बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रांची जाने में 1.5 घंटा से अधिक समय ना लगे, इस तरह का सड़क बनाने का कार्यक्रम तीव्र गति से अब शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि उस औपचारिकता को पूरा करके जोर शोर से काम शुरू कराया जाए। तो जैसे 1.5 घंटा में आप रांची पहुंचे और लगभग 2 से 2.5 घंटा में आप खड़गपुर पहुंच जाए, ऐसे सड़क बनाने की योजना हम सबकी है ताकि लोगों को इस सड़क का पूरा पूरा लाभ मिले और जितनी अड़चनें थी लग करके उन अड़चनों को हमने दूर किया। और लगातार, क्योंकि यह वर्ल्ड लाइफ बोर्ड का क्लियरेंस से लेकर के बाकी सारी चीजें बहुत बड़ी औपचारिकता, यहाँ से लेकर के भारत सरकार तक संचिका और उसके क्लियरेंस लेने के लिए बिजली, हम बिजली का खंभा गाड़ करके नहीं पहुंचा सकते, वैसे गांव को हमने सोलार गांव के रूप में चिन्हित किया है और छोटे सोलार पावर प्लांट लगा करके वैसे क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए हमने निश्चित किया, वैसे जगहों को चिन्हित किया, वैसे जगहों का काम चल रहा है। और सोलर पावर प्लांट लगभग हमारा 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इस राज्य में बनने जा रहा है, जहां कुछ जगहों में बनना प्रारंभ हो गया है। उसमें से हम लोगों ने पश्चिमी सिंहभूम में 100 मेगावाट
सोलर पावर प्लांट बनाने का निश्चय किया है, जो मैं समझता हूं कि इस इलाके के लिए काफी हो जाएगा। 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो स्टेशन से फ्लाईओवर के माध्यम से हम नेशनल हाईवे तक एक कॉरिडोर बनाएंगे। ये स्टेशन से लेकर के जहां जहां फ्लाईओवर की जरूरत है, ताकि पब्लिक को और शहर को किसी तरह का अड़चन नहीं हो। जिस तरीके से हमने एक डिसीजन ये लिया कि जीटी रोड धनबाद से बोकारो और बोकारो से एक्सप्रेसवे, यानी कोई भी क्रॉस रोड उसमें नहीं मिलेगा। अगर जीटी रोड धनबाद से कोई गाड़ी लेकर के चला तो सीधे रांची पहुंच जाएगा। ऐसा है, कहीं भी कोई क्रॉस नहीं, कोई बीच में रास्ता किसी से नहीं टकराएगा, बल्कि सीधे आएगा। ऐसा रोड वहां पर हम बना रहे। उसी तरीके से ये जमशेदपुर के रेलवे टाटा नगर रेलवे स्टेशन से हम नेशनल हाईवे तक सीधे जोड़ने का एक रोड बना रहे, ताकि ये कॉरिडोर बने, इकोनॉमिक कॉरिडोर बने और इसका लाभ पूरे राज्य के जनता को मिले। तो ये राज्य के कोषागार में पैसा जाता है वो कई माध्यमों से, और उस पैसे से राज्य सरकार आधारभूत संरचना निर्माण करती है। राज्यवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक नागरिक का जीवन उज्जवल हो, समस्याओं से मुक्त हो और नया अवसर उनके जीवन में इस तरीके से मिले जिससे कि उनके प्रगति से यह राज्य भी प्रगति करे या देश भी प्रगति करे। जिसको और हार्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा टाटा स्टील के सहयोग से शहर में आयोजित 24वीं पुष्प प्रदर्शनी आज एमेच्योर और कंपनी ग्रुप दोनों श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही संपन्न हो गई। पुरस्कार का वितरण टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुकर ने किया। प्रदर्शनी के ओवरऑल चैंपियन चंद्र कुमार दलाल हुए। इस मौके पर जुस्को के एमडी आशीष माथुर, महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा, श्रीमती सुरेखा नेरुकर सहित कई लोग मौजूद थे। एचएम नेरुकर ने फ्लावर शो का अवलोकन किया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वर्ष की पुष्प प्रदर्शनी हर लिहाज से काफी अच्छी है। उन्होंने शहरवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सेफ्टी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरा वर्ष काफी चुनौतीपूर्ण रहा, नए वर्ष में टाटा स्टील अपने 10 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करे, यही उनकी कामना। इस साल का फॉर्म शो बहुत अच्छा है। ये साल हम लोग को जैसे लास्ट ईयर स्पेशल इवेंट था, रोज कन्वेंशन हो गए वो नहीं है, तो भी इसका कमी नहीं महसूस हो रहा। इतना अच्छा लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा है साल। और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है वो हम लोग का। सब अभी सेफ्टी का लिए ट्यूब का कंस्ट्रक्शन है, बम्बू बंद कर दिया, बहुत अच्छा लगता है। माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू द सोसाइटी एंड जुस्को। काफ़ी इसमें इस बार काफ़ी वेराइटीज़ के जो फूल हैं वो शामिल हुए हैं, तो क्या किस मैंने जो उनको लगता है जमशेदपुर सिटीजन क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ नहीं, जमशेदपुर सिटीजन सर डूइंग अ गुड जॉब, वी मस्ट कंटिन्यू टू डू दिस गुड जॉब और इम्प्रूव ऑन दिस सो दैट वी कैन एक्चुअली हैव अ वेरी प्लेस ऑफ प्राइड इन द कंट्री। ये साल के अनुभव तो इतने अच्छे नहीं रहे, सभी को पता है, लेकिन अगला साल हम सोचते हैं कि ये साल से बहुत अच्छा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ सेफ एंड हैप्पी ईयर फॉर ऑल आवर फैमिलीज इन जमशेदपुर एंड इन अवर आउट लोकेशन एरिया। 10 मिलियन टन का एक्सपेंशन हुआ है, उसका सब स्मूथली चले। अपने संबोधन में उन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लोगों से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील की। ये हमारा जो स्टील सिटी है, बिजनेस है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कारखाना अच्छा चले, लेकिन हमारे जो सिटीजन्स है उन्होंने अगर शहर को ज़्यादा कलरफुल बनाया, अच्छा से पेड़ पौधे लगाए, तो उससे शहर का और अच्छा विकास होता है, शहर का और खुलता है। आज का ये जो डिस्प्ले है उसको देख के हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग के डिस्प्ले के साथ एक रोज़ गार्डन रोज़ एनुअल रोज़ कन्वेंशन भी था और उसका चलते एक डिफरेंट माहौल था। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लोगों ने बाबू बाग नामक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना सोमवार सुबह की है। घायल युवक का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इस घटना से आक्रोशित महिलाओं ने थाना का घेराव किया। जख्मी युवक ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि छेड़खानी का विरोध करने पर नील कमल और उनके आदमियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। हम लोग बैठे हुए थे घर पास, आया दो जन, हम लोग नील कमल आया उसका साथी एक जन आया, हम लोग को कॉलर पकड़ने लगा। हाँ आता है वो, हमेशा आता है बाइक तेज करके गाड़ी चला के हुलरबाजी से छेड़खानी वो करता है हमेशा। अच्छी तो आया पकड़ के मार देता है।
और पीछे से एक टेम्पू लड़का 25-30 लड़का टेम्पू से आया और हम लोग दोनों को उठा के लेके और लेडीज नो था, लेडीज नो का ऊपर भी हाथ छोड़ दिया, हम लोग छुड़ाने लगा लेडीज नो उनके ऊपर भी हाथ छोड़ा और उसका बाद टेम्पू में हम लोग दोनों को भाई को और उसको मेरा भाई को और हमको उठा के लेके चले गया बल्ले कम्प्लेक्स बगल मंगल का घर, घर का अंदर पानी में फेंक फेंक के मारा, खून निकला तो पानी धो धो के मारा पानी से। इस तरह की बातें थाना घेरने आए बाबू बाग की पत्नी ने भी कही। वो घर में सुबह आया डिप्टी से और सोया हुआ था, फिर उनको आया मारने। कौन आया था? नीलकमल नाम है, नीलकमल तीन चार जन आया लेके ये डाल के मारने लगा, छुड़ाने लगे तो चालू हुआ पूरा बता दो, छुड़ाने लगे तो मेरे को भी मारने लगा। वहीं दूसरे पक्ष के कार्तिक कुमार का कहना था कि छिड़काने का विरोध करने पर बाबू बाग और उनके साथी मारपीट करने पर उतारू हो गए। ये मारा पीटी हुई थी और इसके खिलाफ में हम लोग थाना में प्रदर्शन करने गए कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसी दरमियान मंगल राम के लड़के लोग आए जिसमें बुधन राम, बबलू डब्लू और मंगल राम आते साथ बोले कि थाना में तुम्हें केस करने आया हो, बोल के मेरे ऊपर हमला कर दिया। बड़ा बाबू के रहते भर में मुझे मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। दिल्ली गैंगरेप शहर की लचर विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जिला जदयू के लोगों ने आज डीसी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान उपायुक्त को 3 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया। जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जमशेदपुर शहर में भी आए दिन बलात्कार, छेड़खानी जैसे वारदातें होती रहती हैं। इन घटनाओं को रोकने में पुलिसिया तंत्र फेल है। उन्होंने मंचलों के साथ ही सुस्त थाना प्रभारियों पर कार्रवाई करने, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं तथा टेम्पो बस चालकों और खलासियों के लिए नाम के साथ ड्रेस कोड लागू करने की मांग की। जिला में आए दिन दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, छेड़खानी, बलात्कार जैसी घटनाएं रोजाना हो रही है। पुलिसिया तंत्र बिल्कुल सुस्त हो गई है। ऐसे में मंचलों का मन बढ़ता जा रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई की तरह आज लफंगों और पुलिस का जमावड़ा एक ही चौक चौराहे पर लगता है। ऐसे में वो लफंगों और पुलिस चचेरे भाई की भूमिका निभा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पोटका में प्रस्तावित वाटर फिल्टर प्लांट के खिलाफ एवं कुवाली थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एएपी के दिनेश महतो ने कहा कि वाटर फिल्टर प्लांट लगने से क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला जाएगा, जिससे ग्रामीणों के समक्ष पेयजल की समस्या उत्पन्न होगी। उन्होंने कोवाली थाना प्रभारी पर ग्रामीणों के साथ जाति करने का आरोप लगाते हुए उन्हें क्षेत्र से हटाने की मांग की। मतलब वो पोटका प्रखंड के अंतर्गत कोड़ाडीहा पंचायत ग्राम मंगला साहिब में बनाया गया है। बल्लभ बनर्जी एवं थाना प्रभारी का जो दबंग रोल वहाँ दिखाया जा रहा है, ग्रामीणों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, तो उसी के लिए हम लोग प्लान बंद कराने के लिए आए हैं और कुवाली थाना प्रभारी को वहाँ से हटाया जाए, इसलिए हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय में मतलब ज्ञापन देने आए हैं। जिला असू ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण स्तर पर आधार कार्ड बनाने एवं दुष्कर्म की शिकार महिलाओं व युवतियों के मेडिकल जांच की व्यवस्था प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष रोड़िया सोरेन ने कहा कि शहर में आधार कार्ड बनाने की जगह जगह व्यवस्था की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने दुष्कर्म की शिकार महिलाओं व युवतियों के मेडिकल जांच की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर करने की मांग की है। ये जो आधार कार्ड अभी बन रहा है हर बैंक में इसका व्यवस्था की गई है, मगर देहात एरिया में ऐसा बहुत दूर दूर तक बैंक नहीं है, तो इसीलिए आधार कार्ड बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत वाइज हो या तो गांव वाइज हो तभी जाकर के यहाँ के आधार कार्ड बन सकता है, नहीं तो संभव नहीं है, इसीलिए डीसी महोदय को इसका व्यवस्था करना चाहिए। दर्जनों आदिवासियों और मूल वासियों ने टाटा स्टील में नौकरी की मांग को लेकर आज कंपनी के जनरल ऑफिस गेट पर प्रदर्शन किया। श्याम पात्रो ने कहा कि हम लोग की जमीन पर टाटा स्टील जैसी कंपनी स्थापित की गई, लेकिन आज तक हमें कंपनी में नियोजित नहीं किया गया। उन्होंने जनवरी माह में कंपनी के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हम लोगों का मांग देना होगा, हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन किए थे तो हम लोग बैठे थे शांतिपूर्वक, अगर हम लोगों का अति कर दिया, हम लोग का मांग को जैसे बोला जाता है कि खिलवाड़ जैसे हम लोग का साथ में यहाँ का जैसे आदिवासी मजदूर भाई बहने और हम लोग का साथ में खिलवाड़ कर रहा कि हम लोग का जो बुजुर्ग लोग
जो इसी पर जमीन दिया था कि एलकोन एक समय में मेरा नाती पोता मेरा बेटा लोगों ने यहाँ पर सुखी संपन्न होगा बोल के, मगर आज जैसे बोला जाता है कि 1990 में जितना परमानेंट हुआ, जैसे हम लोग एक समय आपको बता देते हैं कि 81 में यहाँ पर हड़ताल हुआ था और यहाँ का जो ऑफिसर लोगों ने यहाँ पर घर घर जाके बोला था कि आप लोग टाटा कंपनी झारखंड में बसा है और आप लोगों का भैया में बसा हुआ है। आप बोला जाता है कि 22 साल बीत चुका है और हम लोग का जो जायज है हम लोग अभी पैकेज का मांग कर रहे हैं और अन्यथा फिर उसका बाद में अगर मेरा वो बाल बच्चा के ऊपर में अगर पढ़ा लिखा है और कोई इंजीनियर किया हुआ उसको भी रखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगा टाटा कंपनी का। सांची पुलिस ने संजय मार्केट स्थित एक ब्यूटी पार्लर में छापामारी कर 2 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने की वजह से हुई। पकड़ाए व्यक्ति का कहना था कि वह ब्यूटी पार्लर में बैठा था। सभी जगह तो लड़की लोग हैं, हम लोग के पास भी है। कितने लड़की था आपके पास? 2 लड़की था। कदमा जेपी स्लोप के F1 में रविवार देर शाम साईं भजन का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक साईं भक्त भजनों पर झूमते नाचते दिखे। आयोजन कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि यहां पिछले 3 वर्षों से साईं भजन का आयोजन किया जा रहा है। जब सबकी पूजा पूरी तरह समापन होगी, भक्तों से निवेदन है कहाँ लेके जा रहे हैं आप पालकी? जो भी पकड़े हैं उससे मेरे लिए खास निवेदन कर रहा हूँ मैं। ये 3 साल से हम कर रहे हैं और पूरा पालकी यात्रा से शुरू करते हैं हम लोग, मतलब 30 तारीख को, जैसे 30-12 को पालकी यात्रा से शुरू हुआ है। रविवार देर शाम ट्रायल के तौर पर मानगो जलापूर्ति योजना का छोड़ा गया पानी करीब दर्जन भर घरों में घुस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि अचानक छोड़े गए पानी के घरों में घुसने से भारी नुकसान हुआ है। कम से कम गड्ढा तो जब खोदो तो इन्होंने ढक दो, कोई बैरिकेड नहीं लगाया, पाइप नहीं डाला, सबका इधर उधर घूम रहा, न मशीन आया न कुछ, खोड़ के पार हो गया पूरा। अचानक पानी आई और सब उसके बाद में सब पूरा घर में जितना भी एकदम बहने लगा सुनामी की तरह, एकदम बिल्कुल पानी एकदम सारा रहते हुए जितना भी सामान था सब उधर पीछे हुए ठेलते हुए चला गया और बच्चा लोग के लेके हम